हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल। आप देख रहे हैं शेफ 21 ऑन K21 न्यूज। आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद भी कहते हैं शो में, और शब मेराज आप सबको दिल की गहराइयों से दोस्तों बहुत ज्यादा मुबारक हो। और इंशाल्लाह दोस्तों आज भी यकीनन बहुत ही आला रेसिपीज हम शेयर करने जाएंगे। बाकी शब मेराज जो शब बरात हो, ईद हो, रमजान हो, और जो नियाज का और जितने सिलसिले रहते हैं उसमें यकीनन हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत आला रेसिपीज बनाते हैं और डिफरेंट अंदाज में खानों को पेश किया जाता है, आई थिंक खिलाया जाता है। आई थिंक दैट्स ग्रेट। जो कहते हैं ना कि बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबकी जीत हो वो रास्ता अपनाओ। इसके साथ ही वन मोर टाइम खुश आमदीद कहते हैं यकीनन दोस्तों, जिस रास्ते में सबकी जीत हो वो रास्ता अपनाओ, खुश आमदीद कहते हैं। और आज मजेदार रेसिपीज के साथ साथ आज का सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज का सवाल सिर्फ इतना सा है दोस्तों, आज का सवाल सिर्फ इतना सा है द क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की मलका किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की मलका किस स्पाइसेस को कहा जाता है? कौन सा इंग्रेडिएंट है स्पाइसेस में जिसे क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की मलका कहा जाता है? इस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे कॉल करके, यकीनन आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी है। और आज जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, कदीम जमाने से यकीनन जो जितने लोग अपने टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं या यहाँ जो लोग मौजूद हैं, यकीनन हमारे इस दुनिया में आने से बहुत पहले से डिश बनती हुई आ रही है। बिल्कुल बात करें खीर की, लेकिन खीर की काफी अंदाज में बनाया जाता है, लेकिन आज भी आई थिंक जो एक प्रॉपर जो खीर जो बननी चाहिए ना, जैसे आप मिट्टी के बर्तन में बेश करें उसका अपना ही मजा होता है। तो आज खीर की एक आला रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, और आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं रेसिपी जानी। दोस्तों दूध मौजूद है बहुत ही खास, ठीक है, और दूध जो कहते हैं मिल्क तो बिल्कुल गुड ही होना चाहिए। तो बिल्कुल मौजूद है हमारे साथ गुड मिल्क, ठीक है, गुड मिल्क। बाय यूजिंग गुड मिल्क हम बहुत ही आला खीर करनी है तैयार। बाकी दीगर अज्जा में, दूध के अलावा दीगर अज्जा में दोस्तों यहाँ मौजूद है खोया। कहते ना क्या खोया क्या पाया, लेकिन आज हमें सिर्फ पाने की बात करनी है। दीगर इलायची इंग्रीडियंट्स में सब्ज इलायची आवाज को भी बेहतर बनाती है दोस्तों। ये बादाम पिस्ते मौजूद है, कोकोनट जो आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम को बूस्ट करता है, खानों को हजम करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों राइस मौजूद है, ठीक है, जिसमें हमने लिए हैं आर्योब राइस, ठीक है, और जिससे आर्योब अवामी राइस लिए जिससे खीर तिक भी होगी और ज्यादा मजे की होगी इंशाल्लाह। साथ ही मौजूद है चीनी, ठीक है, एज रिक्वायर्ड इसमें हमने चीनी भी शामिल कर। अगली रेसिपी बहुत मजेदार है खीर के साथ, अगली रेसिपी बनाएंगे दोस्तों वेजिटेबल स्पैगेटी। बिल्कुल वेजिटेबल स्पैगेटी इंशाल्लाह शेयर करने जाएंगे, लेकिन पहले हम आगाज करते हैं दूध का, खीर का। और खीर जितनी ज्यादा कुक होती है उतना ही उसका मजे का जायका आता है। रखा पॉट, ऐड करते हैं दूध और क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की मलका, किस इंग्रेडिएंट्स को, किस अज्जा को कहा जाता है, ठीक है, और ऐड करते हैं दूध भी। और कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ आप? ठीक ठाक, आप बताइए कौन बात कर रही हैं आप, कैसी हैं आप? मैं मुस्कान बात कर रही हूँ कराची से। जी मुस्कान, क्या हाल है आपके? खैर थे जी, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, छोटी इलायची होती है। ठीक है जी, आपका जवाब बिल्कुल नोट किया। और घर में घर की मलका कौन होती है? घर की तो मम्मी होती है। अच्छा मम्मी होती है, जैसे मम्मियों को सलाम, और यकीनन माओ की बहुत अहमियत। मुस्कान कुछ कहना है आपको, और तो फरमाइश है या कुछ कहना चाहेंगी? सारी फरमाइशें पूरी होती है। सारी फरमाइशें, चलो बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान, खुश रहें, अच्छा लगा बात। मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूं। जी जी बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। दोस्तों 1 लीटर शामिल कर रही है दूध, शामिल किया खीर कर रहे हैं तैयार। और जिस तरह कहा कि खीर में ट्रिक ये भी है कि दूध जितना कम रिड्यूस होता है, दूध जितना कहते ना कमता है, दूध जितना रिड्यूस होता है, दूध जितना कम होता है, जितना कहते ना दूध जितना घटता है उतना इसके जायके में इजाफा होता है। मिल्क रखा है और कंटिन्यूअसली लाते रहना कहीं सरफेस से लग ना जाए। सवाल इतना सा है कि क्वीन ऑफ स्पाइसेस, स्पाइसेस की मलका किसे कहा जाता है? एंड वेजिटेबल स्पेगेटी भी करनी है तैयार, एग्जाम श्योर अपने नोट कर चुके हैं। और वो तमाम दोस्त जो मैं इंटरनेट की दुनिया में ज्वाइन करना चाहें तो ऑन गूगल पे आप लिखेंगे K21 News, तो दुनिया भर में थ्रू आउट द वर्ल्ड आप हमें
लाइव स्क्रीनिंग में देख सकते हैं, और चाहें तो फेसबुक की दुनिया में शेफ 21 के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, CHEF21, डायरेक्टली मुझे सर्च करना चाहें शेफ सिर्फ इकबाल से लिखे तो आप सर्च कर पाएंगे फेसबुक यूट्यूब कहीं भी आप ट्विटर पे भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इकबाल साहब? जी जायदा जी परफेक्ट, आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक। हाँ जबरदस्त मीठा बन रहा है आज तो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज आपके यहाँ कुछ खास बनना है आज? आज का जो शब बहुत अहम है। नहीं मतलब बन रहा है मगर खास वो नहीं है, बस ये कि इबादतों के दिन है, खाने पीने लेकिन हमारे यहाँ तो जायदा जी हमारे यहाँ हर चीज में इबादत तो सच ये कि हो या ना हो लेकिन खाने होते हैं। बिल्कुल ऐसा है ना जी, लेकिन बात दुरुस्त है आपकी, इबादतें होनी चाहिए। और जी जी बोलिए फरमाइए। हाँ नहीं सवाल है आज का। जी जी क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की मलका किसे कहा जाता है? मसालों की मलका? जी जी मसालों की मलका तो सबसे अच्छी खुशबू थी इलायची की, इलायची छोटी इलायची। ठीक है जी, आपका जवाब बिल्कुल नोट किया और थैंक यू रुखसा जायदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें शादाबाद। दोस्तों दूध का प्रोसेस जारी है और आहिस्ता आहिस्ता दूध रिड्यूस हो रहा है लेकिन इसके जायके में इजाफा होता जा रहा है। ऐड करते हैं इसी के अंदर चीनी, हमेशा ऑलवेज 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 जब भी आप खीर बनाएंगे कोई भी मीठा हो, 1 लीटर दूध में 1 कप चीनी परफेक्ट मीठा होगा। 1 कप चीनी की बात की जाए तो 200 ग्राम, ठीक है 200 ग्राम चीनी शामिल की और कंटिन्यूसली लाते रहना आप, कहीं सरफेस अगर जरा सा भी लग जाए तो आपकी मेहनत जाया जा सकती है। और जब बात की जाए डिजर्ट की खीर की तो एक और बहुत अहम जो चीज़ है दोस्तों ये भी है कि बर्तन ठीक से वॉश होना चाहिए। बाज़ वक़्त अगर बर्तन जरा सा भी ठीक से वॉश ना हुआ हो तो दूध पड़ सकता है, आपकी पूरी डिश जाया जा सकती है, आपकी मेहनत जाया जा सकती है। प्रोसेस जारी है और बहुत ही खास खीर करें तैयार। साथ ही करते हैं राइस इसके अंदर, ठीक है जरनिगार, और इसमें दोस्तों ये आवामी राइस लिए इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है हल्का सा चाहें तो इसे क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह भी आप शामिल कीजिए, ठीक है और बिल्कुल अच्छी तरह से कुक करना है। बाकी दोस्तों खीर में अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो रवायती खीर में बहुत ज़्यादा लोग चावल ऐड करते हैं या जो रवायती कुछ मज़ा नहीं भी आता, तो एक आटे से किस तरह अच्छा बनाया जाए ये बिल्कुल इंशाल्लाह आज आप देखेंगे कि बहुत ही आला खीर होगी तैयार। प्रोसेस जारी, दूध बॉयल होता जा रहा है एंड खुशबू बहुत ही आला। और अब ऐड करते हैं खुशबू के लिए और खास चीज सब्ज इलायची एक, और इलायची की बात की जाए दोस्तों इसका फ्लेवर इसके बीज में होता है, सीड्स में होता है, तो इलायची को आपने इस तरह खोल कर शामिल करना है जिससे और ज्यादा मैजिकल फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह हमारी बहुत ही खास खीर में, ठीक है और ये प्रोसेस जारी देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों और खीर हो रही है तैयार और न्याज का भी सिलसिला रहा है पिछले दिनों तक, आई थिंक उसके साथ बहुत अच्छा खीर जो होती है उसके साथ जो पेश की जाती है पूरी और जितनी चीजें आती डेट्स ग्रेट। और जब हमने बात की ना कि बांट के खाओ इस दुनिया में बांट के बोझ उठाओ, आई थिंक डेट्स ग्रेट। और बाकी खुशी की बात की जाए आई थिंक इट्स दी वन ऑफ दी अच्छा है, ये भी विवेक अगर दूसरों को अगर खुशियां देने से भी इंसान खुश रह पाता है। प्रोसेस जारी है, कॉल के जरिए आप पार्ट बन रहे हैं। सवाल पूछा है आपसे इतना सा, क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है? और देखिए दूध प्रोसेस जारी है, उस तरह आप चाहें ना देखिए वुड स्पून से दोस्तों आप इस तरह मैश भी कर सकते हैं, ठीक है और डेफिनेटली जो राइस होती है राइस से भी थिक होगा, ठीक है कम वक्त हो आपके पास तो आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर से भी थिक कर सकते हैं लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस इंशाल्लाह थिक होगा और बहुत आला होगा तैयार। लेकिन साथ ही दोस्तों दूध देख रहे हैं रिड्यूस हो रहा है और मजे की खीर हो रही तैयार, साथ ही स्पैगेटी विद वेजिटेबल भी करना चाहिए लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का दोस्तों ब्रेक लेते इसी बात के साथ दूर रहकर भी अलविदा ना कहना यादों में रहना लेफ्ट का ब्रेक, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। Thank you.
आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम, खुशामदीद कहते हैं। देख रहे हैं अब शेफ 21 ऑन K21 न्यूज़। और आज की रात दोस्तों बहुत खासी बातों की रात, और जरूर दुआ कीजिए। सच्चे दिल से कहते हैं ना, दुआ दिल से जो निकले दुकार मत हो। सच्चे दिल से दुआ कीजिए तो यकीन रब की बारगाह में जरूर 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 कबूल होती है। खुशामदीद कहते हैं दोस्तों आपके लिए, और कहते हैं कि दुआ ख्वाहिश का इजहार भी होती है। जो जिंदगी में हम चाहते हैं वो यकीन दुआ के जरिए अल्लाह ताला से मांगते हैं। रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ खीर की, जिसका प्रोसेस जारी है। और सवाल इतना सा पूछा है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है। दोस्तों ब्रेक के दौरान हमने 1 लीटर और दूध शामिल किया था, ठीक है, और उसी हिसाब से हमने चीनी ऐड की। 1 लीटर दूध में आपने 1 कप चीनी ऐड करनी है, 2 लीटर दूध हो तो 2 कप आपने चीनी शामिल करनी है। राइस ऐड किया था, सब्जी इलायची, प्रोसेस जारी है। कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोल सकते हैं। जी जी मैडम जी, आप बताइए कैसी हैं उमा? आमीन आमीन। हुमा आज कुछ स्पेशल बनाया आपने मेन्यू में या नॉर्मली है? नॉर्मली है। अच्छा। देखिए आज तो वैसे भी सब महराज है, तो मैं नियाज भी दिलाती हूँ। जी जी। और मैं अभी भी मैं पढ़ ही रही थी, तकरीबन मैं जो करीब करीब सब पढ़ रही थी अभी नमाज। माशाल्लाह क्या बात है, बस अल्लाह ताला की बात कबूल फरमाए। नियाज दिलती है तो मैं मीठा भी बनाती हूँ। अच्छा जी, क्या बात है क्या बात है। हाँ, क्या बात। अच्छा उमा सवाल का जवाब देंगी, क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ स्पाइसेस जहाँ तक मुझे है तो वो ये रेड चिली पाउडर हो सकती है। कौन सा? चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च। जी जी, जो आंखों को जला देती है। क्वीन कैसे हो सकती है उमा नूर? नहीं तो वो स्पाइसी मतलब है, खानों में तो इसी का है, उनके गरम मसाला तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे जो है तो ये रहे, मेरे तो आंसर यही है। चलें चलें ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू लव। दोस्तों उमा नूर मौजूद रही, और हमने दूध था उसमें सब्जी इलायची शामिल की, साथ ही इसमें हमने राइस ऐड किया, और इतनी कोती जारी प्रोसेस जारी इसका, ठीक है। और दूध का जैसा हमने कहा इस विषय दोस्तों, दूध जितना कम होता है, मिल्क जितना रिड्यूस होता है, उतना ही खीर के जायके में इजाफा होता है। अब हम छोड़ देंगे, कुछ और मजीद ये कुक होती रहेगी, इसका यकीनन आला फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं, उससे पहले दोस्तों में कोकोनट शामिल करते हैं। देख लीजिए आप, ये वो कोकोनट जो हम पान में भी शामिल करते हैं, डाइजेशन सिस्टम को बूस्ट करता है, और खानों के यकीन हाजमे को यकीन बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। तो ये ऐड करते हैं इसी के अंदर लगभग 2-3 टेबल स्पून हमने शामिल किया, ठीक है। 2 लीटर दूध था, चीनी 2 कप, सब्जी इलायची, चावल, कोकोनट ऐड करने के बाद इसका प्रोसेस जारी है। और नॉर्मल आंच पे इस तरह से करना है कि दूध ही कुक होता रहेगा, उसका फ्लेवर अमेजिंग इंशाल्लाह होगा तैयार, ठीक है। उसके बाद अगली रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, वेजिटेबल स्पेगेटी इंशाल्लाह कर रहे हैं तैयार, लेकिन उससे पहले जरा इसको फाइनल करते हैं दोस्तों, ठीक है। दूध ही कम होता जा रहा है, और साथ ही इसमें आप अलहदा से हमने जरा सा कॉर्नफ्लोर को डिजोल्व किया पानी के अंदर, ठीक है। आप चाहें अगर तो नेचुरल वे में से थिक कीजिए, और अगर आप चाहें जरा सा अंग्रेजी टच देना तो खीर में आप जरा सा कॉर्नफ्लोर शामिल कर सकते हैं, जिस तरह आइसक्रीम में भी शामिल किया जाता है, ठीक है। जरा सा ऐड करें और कॉन्टिन्यूसली आपने हिलाते रहना ताकि इसमें दाना गुठली ना बने, ठीक है। जरा सा और ज्यादा ऐड नहीं करना, जाहिर इसमें जो हमने राइस ऐड किए थे आरियो राइस, तो वो भी यकीनन इसके कंसिस्टेंसी को और ज्यादा थिक करेंगे, तो उतना रखिए कि बराबर हो जाए। चावल का दाना खत्म होना बहुत जरूरी है, आप अपने बच्चों को लगा सकते हैं, ठीक है, उसको हिलाते रहें कॉन्टिन्यूसली तक उसका दाना खत्म हो जाए और इसका वही फ्लेवर जायका तैयार हो सके जो हम बनाना चाह रहे थे, ठीक है। अगली रेसिपी तक चलना, लेकिन बट वी वुड लाइक टू पहले इस डिश को हम फाइनल कर लें, ठीक है, हिलाते रहना भी साथ इसका प्रोसेस जारी। तब तक क्या करते हैं दोस्तों, जरा सा बादाम पिस्ते, ठीक है, आलमंड एंड पिस्ताशू भी हम करते हैं चॉप, ठीक है। बादाम इस तरह दोस्तों चॉप करना आपने, ठीक है, आलमंड्स, बादाम कर रहे हैं चॉप कुछ इस तरह से, ठीक है। बादाम के साथ पिस्ते भी हम बिल्कुल कर लेंगे चॉप, आलमंड एंड पिस्ताशू बिल्कुल हो रहे हैं चॉप, क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है, स्पाइसेस की मलका।
और लास्ट कॉलर ने कहा हमारे के रेड चिली को, उनसे पहले किसी ने कहा कि नमक को, सब अपने जवाब दे रहे हैं, लेट्स सी किनका जवाब दूसरा होता है, ठीक है। और ये पिस्ते भी बादाम पिस्ते कर चुके हैं, चॉप कुछ ऐड करते इसी के अंदर, ठीक है। बस इसे कोक कोत रहे ना दोस्तों, ये ऐसा ऐसा और टिक होगी और मजे की होगी, ठीक। जितनी ज्यादा कुछ को उतना ही मजा, और ये देख सकते हैं आप ऐसा ऐसा इसका प्रोसेस जारी, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इसे बर्तनों में भी इसका खास ख्याल रखा जाए, मिट्टी के बर्तन हो या इस तरह के, इसमें आप प्लेटर में पेश करें तो उसका अपना ही यकीन इसका मजा रहता है। बाकी डेफिनेटली एक आर्ट है बर्तनों के साथ, कुकिंग के साथ बर्तन भी अच्छा। बाकी रमज़ान की भी दोस्तों आमद आमद है, और रमज़ान की तैयारी उरूज पे, और यकीनन जो रमज़ानों में भी खास एक रौनकें होती हैं अफ्तारी की, फिर सहरी का, और ये सब चीज़ें आती हैं, दैट्स ऑसम, ठीक है। और ये प्रोसेस का जारी है, कुछ खोया इसी के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों कुछ खोया इसी के अंदर हम शामिल कर रहे हैं, कितना क्या खोया क्या पाया, लेकिन आज हमने सिर्फ पाने की बात करनी है। और ये देखिए इसका प्रोसेस जारी है, ठीक है। इस तरह से आपने लात रहना, कोशिश कीजिए दाना चावल का भी खत्म हो, सब्ज इलायची और सबका फ्लेवर, देखिए बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है, ठीक है। और ये आर्ट है, जितना ज्यादा सिटिंग करेंगे उतना जितना दूध कम होगा उतना इसके जायके में इजाफा होगा। कुछ और ऐड करते हैं, ठीक है, खोया और से फिर से कर रहे हैं मिक्स, ठीक है। और एक और चीज दोस्तों, कभी भी बहुत ज्यादा खीर को इतना ना थिक किया जाए कि जमने लगे, ठीक है, जिसे आपने ठंडक ना, ठीक है। और इस तरह से देखिए दोस्तों इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है, देख सकते हैं आप। इससे ज्यादा कोशिश करें थिक नहीं करना आपने, ठीक है। इसे निकालते हैं, चूल्हा करते हैं पर, ठंडी होने के बाद ही और जम जाएगी, ठीक है। ठंडी होने के बाद ही और थिक हो जाएगी खीर को, गर्म भी खाया जा सकता है और ठंडा भी, मर्जी आपकी, ठीक है। चूल्हा कर रहे हैं बंद, उसे निकालते हैं। और स्पेशली दोस्तों इसमें जो खोए का जो फ्लेवर रचा है ना, आई थिंक दैट्स ऑसम एंड रिमार्केबल, ठीक है। खीर हमारी हो चुकी है तैयार, से निकालते हैं। और ऐसा ऐसा देखिए राइस का दाना भी खत्म हो चुका है, ठीक है, खीर निकाल लेते हैं, वाजिब। बाकी दोस्तों बच्चों को भी जरूर दीजिए खीर, खीर यकीनन ये ताकतवर चीज है, पावरफुल है, दूध के फायदे, राइस के फायदे, बादाम पिस्ते के फायदे, खोए के फायदे, तो बहुत हेल्दी एक ऐसा मीठा हमारा, आई थिंक जो थ्रू आउट द ईयर हमें यकीनन हमारे अपनी मेन्यू का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए इसे, ठीक है। इससे गार्निश करते हैं दोस्तों, जो खोया जो बचा कर रखा था उसे इसकी करें गार्निश, कुछ बादाम पिस्ते जो चॉप किए थे वो भी इस तरह आपने गार्निश में इस तरह शामिल करना है। दोस्तों ये बहुत मजे की खीर हो चुकी है तैयार, से ठंडा खाएं या गर्म लीजिए, ये आपकी यकीनन मर्जी पर मुनहसर है, ठीक है। खीर हो चुकी है तैयार, अब चलते हैं अगली रेसिपी की जानिब, जो हमारी अगली रेसिपी जो बना रहे हैं वो भी यकीनन बहुत ही खास है, वेजिटेबल चाउमीन, ठीक है। वेजिटेबल चाउमीन और क्विकली और अला होगी तैयार, कहते हैं चाइनीज खाने बनाने से पहले अगर इतना कहते हैं वो आइया हो तो उसका भी अपना ही मजा होता है। बाकी ये कि डिजर्ट के साथ साथ मेन डिश भी होना बहुत जरूरी है। चाउमीन आपको बात बताऊं, चाउमीन हमारे रमजान में भी आप देखें फाइव स्टार होटल या रेस्टोरेंट में इसके जो हमारे अफ्तारी के मेन्यू में होते हैं, ठीक है, लाइट फूड है, सालन या इतना हेवी नहीं होता, तो वो भी इंशाल्लाह मजे का होगा तैयार। ब्रेक है, ठीक है। और अज्जा देख लीजिए दोस्तों किन इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत होगी टू मेक वेरी वेरी स्पेशल वेजिटेबल चाउमीन। टू मेक चाउमीन के लिए नूडल्स लीजिए या स्पेगेटी लीजिए, मर्जी आपकी। हमेशा चाइनीज में, थाई कुजीन में, जापानीज कुजीन में नूडल्स यूज होते हैं, इटालियन खानों में, कॉन्टिनेंटल में स्पेगेटी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, इसलिए वो स्पेगेटी यूज करते हैं, रोटी भी नहीं, ये भी एक वजह है। इसे हमने बॉयल कर लिया, बॉयल करने के बाद ठंडे पानी से निकाल लेना है, और ये भी हेल्दी है दोस्तों, ठीक है। पास्ता में भी एक बात बताऊँ आपको, सेलेनियम होता है, सेलेनियम भी एंटीऑक्सीडेंट जो बालों के लिए अच्छा। बाकी अज्जा में टमाटो केचप, सोया सॉस, अदरक लहसुन पिसा हुआ, सफेद मिर्च, नमक यकीनन वज़ा जहां से जायकी की इब्तिदा हुई, काली मिर्च कुटी हुई, रेड चिली,
ठीक है, यहाँ पाउडर मौजूद है लेकिन कुटी भी शामिल करनी है, क्रश रेड चिली, चिकन पाउडर, वेजिटेबल में स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज, बंद गोभी और गाजर, और साथ ही शिमला मिर्च भी शामिल करनी है। दोस्तों ये चाउमीन करने तैयार, और साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए शेफ 21। जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर शो वन मोर टाइम, खुश आमदीद कहते हैं, आप देख रहे हैं शेफ 21, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल। शाह बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग साथ मौजूद हैं, और आई थिंक के सच से कहते ना कि दिल से कहूँगा, कहते ना दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवास मगर रखती है। आई थिंक ये स्ट्रॉन्गली बिलीव कि हमारे यहाँ ज़ाहिर इतनी जो फ्रस्ट्रेशन है, हर बंदा दुखी है, ग्रेट थी ग्रेट एक्टिविटीज़ अगर कुकिंग इस तरह की चीज़ें, और ये खाना सिर्फ बनाने या खाने के हद तक नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक आपकी सेहत से भी होता है। बल्कि रिसर्च के मुताबिक जब आप अपनी मर्जी की डिश खाते हैं तो यू फील ग्रेट, आपको खुशी भी मिलती है। बहुत जरूरी हेल्दी फूड किचन में जाएं, और डेफिनेटली जाना चाहिए। खीर हमारी हो चुकी है तैयार, अगली रेसिपी हम शेयर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत ही खास, वेजिटेबल स्पेगेटी कहें या फिर चाउमिन कहिए, ठीक है। इसके लिए हमने पैन रखा है, ग्रिल पैन में कर रहे हैं तैयार। सवाल पूछा क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है, कॉलर काफी देर से इंतजार कर रही है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई जी, कौन बात कर रही हैं आप? मैं हमना बात कर रही हूँ जी। हमना, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक हूँ, माशाल्लाह से आपने खीर तो बहुत अच्छी बनाई, दिल चाह रहा है मैं फौरन आके खा लूँ। दिल तो हमारा भी चाह रहा है लेकिन अब क्या करें, रुकावटें हैं, लेकिन हम शो के बाद ट्राई करेंगे, आप भी जरूर ट्राई कीजिए, मजे की लगेगी आपको। हमना बोलिए बोलिए जी। जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, छोटी इलायची। ठीक है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता, आपने कहा इलायची, आपका जवाब बिल्कुल नोट किया हमने। और कुछ कहना है, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं माशाल्लाह से आप सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं, बस हाँ ये एक फरमाइश करनी थी आपने। क्या? वो मीठी टिकिया नहीं बनाई। कौन सी? मीठी टिकिया। मीठी टिकिया चले, जरूर जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। हमने बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हम ना मौजूद नहीं दोस्तों, अब रेसिपी को आगे ले चलते हैं, वक्त कम है। ऑयल शामिल किया, उसके बाद ऐड करते हैं अदरक लहसुन पिसा हुआ, ठीक है। जाहिर इसके अंदर पानी की मिकदार होती है दोस्तों, तो चीजें देख रहे हैं आप। उसके बाद ऐड करते हैं इसमें अदरक लहसुन, ये गाजर, ठीक है। हल्का सा आपने अदरक लहसुन को सौते करने के बाद ऐड किया गाजर, और कर रहे हैं इसे मिक्स। ठीक है, चाउमीन के लिए बाकी वेजिटेबल जिसमें दोस्तों करना कुछ इस तरह से, कैबेज, बंद गोभी, इस तरह से आपने इसके चार पीस किए। उसके बाद ये इसे रिमूव किया, और दोस्तों एक और चीज जो जरूर कहना चाहूंगा, यकीनन आप हमारे अपने हैं और आपसे हर बात शेयर करना यकीनन जरूरी है, ये जो अमल था, ठीक है, हल्का सा जब आपको लगे कि जल रहा हो तो हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ दस मिनट, ठीक है। उसके बाद हम कैबेज काट रहे हैं, और दोस्तों ये एक अमल था, फर्ज कीजिए अगर आगाज में अदरक लहसुन ऑयल में अच्छा खासा गर्म हुआ, अगर मैं 5 से 6 सेकंड में छोड़ता तो इस पैन में आग लगती, क्या होता है आग लगती। तो कोशिश कीजिए, एक तो वैसे कोशिश कीजिए, अगर आप ट्रिक्स नहीं जानते बहुत ज्यादा
किस तरह आपने अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है, तो फिर बहुत ज्यादा गर्म ना करें अब, ठीक है? बहुत ज्यादा गर्म ना करें, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना आपने। और दूसरा है कि खुदा ना खौफ से लग भी जाए तो ऐसा करना है कि जो वेजिटेबल मौजूद है, इसके लिए मैंने बिल्कुल एक स्पेशल वीडियो हम अपने जो यूट्यूब चैनल पे भी मैंने अपलोड की थी, जो वेजिटेबल मौजूद हो फौरन आपने शामिल करना, पानी कभी शामिल नहीं करना, ठीक है? चूल्हा करते हैं जरा से कम और हम बाकी वेजिटेबल को जरा से काट लेते हैं, ठीक है? बंद गोभी मौजूद है, बंद गोभी को हम काट लेते हैं, कैबेज ये सर रिमूव किया सिंपली, उसके बाद इसे आपने फाइन जूलियन इस तरह से काट लेना है, ठीक है? ये कर रहे हैं हम चाउमीन की तैयारी, और ग्रिल पैन में आज बना रहे हैं हम, कोई पॉट या कढ़ाई में नहीं बना रहे, ग्रिल पैन बना रहे हैं। ये सभी रिमूव किया और इस तरह से आपने फाइन जूलियन काट लेना है। कोशिश कीजिए सब्जियों का इस्तेमाल जरूर 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 कीजिए अपनी लाइफ में। दोस्तों ये अनियन प्याज भी ऐड करते हैं, इसी तरह आपने फाइन जूलियन की, ठीक है? इस तरह से आपने काट लेना है, ठीक है? गाजर के बाद इसमें आपने प्याज शामिल की, ठीक है? करते हैं जरा सा मिक्स और ऐड करते हैं इसी में हमने हल्का सा, आपने भून लेना जरा सा, हल्का सा मजीद ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल भी, ठीक है? साथ इसमें हम ऐड करते हैं कैबेज बंद गोभी, ठीक है? अदरक लहसुन के बाद हमने गाजर शामिल की थी, प्याज और बंद गोभी ये शामिल की, करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है? अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, हिलाना है। खीर हमारी सर्व ले आते हैं, ठीक है? और दोस्तों इसका भी अमेजिंग फ्लेवर आता है खानों में, टॉस करना है, ठीक है? और देखिए कलर इसका हो रहा है चेंज। ऐड करते हैं इसके बाद टोमेटो केचप लगभग 1 कप, यह इज रिक्वायर्ड अपनी मर्जी के मुताबिक। सोया सॉस लगभग 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हसबे जायका, सफेद मिर्च दोस्तों, ठीक है? व्हाइट पेपर, ये कम क्वांटिटीज की शामिल करनी है, ज्यादा नहीं। सफेद मिर्च के बाद काली मिर्च कुटी हुई, अमूमन पिसी भी लाल मिर्च नहीं डलती, चाइनीज में कुटी भी डलती, लेकिन हम हल्की सी पिसी भी ऐड कर रहे हैं, आप चाहें तो कुटी भी कीजिए, मर्जी आपकी, ठीक है? जरा सा चिकन पाउडर कोई आधा चाय का चम्मच शामिल किया, कर लेने से अच्छी तरह से मिक्स। वक्त बहुत कम है दोस्तों, हमारा ये मसाला चाउमीन का जस्ट अबाउट टू रेडी। इसके साथ ही ऐड करते हैं इसी के अंदर जो हमने पहले से उबाल कर रखी थी नूडल्स या स्पेगेटी, जो भी आप ऐड करना चाहें, ठीक है? इसी के अंदर ऐड करते हैं। आप चाहें तो मीट के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के, बीफ के, फिश के, मटन के, या जो भी आप मीट चाहें, इस तरह आपने मिक्स करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने मिक्स करना है, अमेजिंग। और इस तरह आपने देखा बहुत से दोस्तों साउथ अफ्रीकन खानों में भी इस तरह का फ्लेवर आता है, बल्कि जैपनीज कुजिन में भी, तो इसका भी अमेजिंग फ्लेवर। और लास्ट में ग्रीन अनियन और साथ ही कैप्सिकम दोस्तों, शिमला मिर्च आपने आखिर में शामिल करनी है, ठीक है? ज्यादा कुक नहीं करना, सीडलेस किया, उसके बाद से करते हैं जूलियन कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये टेस्ट को बूस्ट करेगा और अच्छा बनाएगा। कैप्सिकम भी ऐड किसी में, साथ ही स्प्रिंग अनियन गार्निश के लिए काट लेते हैं। डिश हो चुकी है हमारी ऑलमोस्ट तैयार, और ये देख सकते हैं आप चूल्हा कर रहे हैं बंद, चाउमीन हो चुके हैं तैयार, कहते ना वाइया हो, जस्ट अमेजिंग। सफाई और उसके बाद से प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों? सफाई यकीनन नफ्स ईमान जरूरी है,
और डेफिनेटली हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, इस प्लेटर में हम निकालते हैं। इस तरह से हम निकाल देते हैं। ठीक है, और गार्निश के लिए ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट, स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट आपने इस तरह से चॉप किया, और एंड में आपने ऑन द टॉप ऑफ स्प्रिंग अनियन इस तरह से शामिल करना। ठीक है, दोनों रेसिपीज हो चुकी हैं तैयार। खीर कर लेते हैं जरा सा पास और सफाई, उसके बाद लेते हैं इजाजत। सवाल पूछा, क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है, स्पाइसेस की मलका किसे कहा जाता है, और खीर भी अमेजिंग है दोस्तों, डेफिनेटली इंतजार करना मुश्किल है बट डेफिनेटली ऑसम। बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। और दुरुस्त जवाब है क्वीन ऑफ स्पाइसेस दोस्तों इलायची को कहा जाता है। ठीक है, और कार्डोमम कॉल्ड द क्वीन ऑफ स्पाइसेस, छोटी जो इलायची होती है उसे कहा जाता है। हमारे बहुत से दोस्तों ने दुरुस्त जवाब दिया, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे शेफ इकबाल शेफ को हमारी पूरी ग्रेट टीम के साथ दीजिए इजाजत। खुश रहें, शाद आबाद रहें, क्योंकि दुखी रहने से भी यकीनन आपकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी। थैंक यू सो मच यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।